ठंड हो रही है डे यार। टू इट्स डे टू मॉर्निंग. डे वन डन नथिंग, डे टू गो टू पोक फ्राई एंड रेस्ट। बस हम तो इमेजिन कर रहे हैं बस में आए हैं, हम तो सो रहे भाई हैं। देखो डे टू में क्या होगा, हमने ट्रैवल टाइटल किया है, इंटेंस ट्रैवल ऑफ 15 मिनट फ्लाइट। अभी यही है. आई हैव फिगर्ड आउट माय उसके टाइटल बाद फॉर फिर दिस व्लॉग. थकान तो नेचुरल है ना भाई, जो दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई बॉडी है भाई, 15 मिनट रोबोट थोड़ी है हम। कोई दिल्ली एयरपोर्ट पे 15 मिनट की फ्लाइट के 3 घंटे पहले पहुंच रहा है भाई। सही में भाई, भाई इतनी छोटी साउंड. फ्लाइट में तो आदमी को ऐसे ही बैठ जाना चाहिए बिना पासपोर्ट के। ये आ जाएगा इसके साथ। आपको चाय जैसे डिस्टर्ब टाइम. होएगा ना। गुड मॉर्निंग, वी आर ऑन विद आवर टी ऑन। कैसे लगे? मस्त, बहुत मस्त चाय है, मजा आ गया। थैंक्स टू भैया. भैया आपका नाम क्या है? बॉबी सिंह। बॉबी भैया हमारे को चाय पिला रहे हैं। वेरी नाइस, गर्म मजा आ गया है। यहाँ टपरी से आई हुई चाय. भाई हम मात्र कितने मिनट में, मात्र कितने मिनट में हम पहुंच गए अंदर. इट वाज अ क्विक क्विक एंड डर्टी ट्रिप टू द एयरपोर्ट. लाइक वी लिटरली रीच 5-7 मिनट में अंदर है हम. सिक्योरिटी चेक वगैरह सब. अपेरेंटली हमारा हमारा ड्राइवर बॉबी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था जो दुबई से भाग रहा है. अंडरवर्ल्ड लुलू से उसके कनेक्शन थे भाई. और लिटरली मतलब हमें अपग्रेड मिल गया, लेकिन सीट का नहीं, टाइम का. बेसिकली हमारी फ्लाइट 9:45 थी और हम 8:20 पे जो है उसको अपग्रेड वी रीच्ड द रेट. उन्होंने बोला 10 मिनट में आपको नेक्स्ट फ्लाइट मिल रही, बताओ चलना है. कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जा रहा. और नमन इज वेरी एक्साइटेड. हमने बोला था फ्लाइट, मैं बोला फ्लाइट डिले तो सुना था भाई, फ्लाइट डिले तो सुना था पहली बार मैंने. फ्लाइट डिले तो सुना था पहली बार ही. फ्लाइट वो हो रहा है अर्ली अर्ली फ्लाइट बोला. प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर फ्लाइटिंग. तो ये ऐसा भी काफी छोटा सा एयरपोर्ट है. और ये गेट है 5 लिटरली सामने. यहाँ पे लोगों ने हमारे बैग्स खुद से फ्लाइट में चढ़ाए हैं. हम शायद बस से जा रहे हैं. देखा जाए तो गेट 5 के बाहर बस है. पता नहीं है, पुखर दादी के पास से लगता है. कह रहे हो फ्लाइट तो बहाना है. फ्लाइट तो बहाना है एंड मस्त लोग अभी वेट कर रहे हैं. वी बीन पोखर इन लाइक 30 मिनट्स एट मैक्स. So before our scheduled trip, we will be in Pokhara. Yeah. This is almost like a chartered flight for us. Yeah, I mean, moment you enter, you get the ticket. अभी वहाँ से फ्लाइट निकली होगी हमारी. Bro, घर पहुँच जाएगी. वो बुद्धा एयर का वो देखो ट्रांसफर वही कर. ओमनी. दिखाया हमारी ऑडियंस को. ऑडियंस को दिखाया जाए. ओमनी. बुद्धा बुद्धा एयर में. हमें किडनैप किया जा रहा है. आपको लेके जाते हैं गेट से उसमें प्लेन में ओमनी उठा के. नहीं ये थी रियल मैन. या एन एयरलाइन. So yes, let's get ready and flight में देखते हैं. This is a public service announcement to all the Pokhara girls. We're coming for you. he is coming. I mean. See Buddha है, ये आ गया. Buddha है रही. देखो आप plane देखो भाई. आते हुए देखो. भाई तो land पे चलते हुए क्यों पंखे हैं, क्यों चला रहे हैं भाई? भाई उसमें ताकत होती तो वो Buddha है. And see you in flight. Guys, we have landed in Pokhara Airport. और देखिए कितना बड़ा एयरपोर्ट है. बैगेज क्लेम के लिए वो खुद दे रहे हैं, ऐसे बेल्ट नहीं आ रही है. एंड यहाँ पे प्रोकरा एंड दिस इज द एग्जिट. वाओ मैन, व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट द पोखरा एयरपोर्ट? वेल, इट्स मोर ऑर लेस अ बस स्टॉप. आई थिंक दिल्ली बस स्टॉप्स आर मोर बिजियर देन दिस. But the hospitality is amazing. Amazing. Look, वो bags दे रहे हैं ऐसे. हम सामान लेने आए हैं. This has a. हम वहाँ पे क्या करने आए हैं? सामान लेने. लेने. The entire luggage handled by them is less than what Kashmiri gate handles in an hour.
for a month. Yes, now we proceed towards our hostel. On the baggage belt, they have guys just throwing luggage on the stage. मेरा वो देखे दूर बैग पड़ा है पर्पल वाला पर्पल हिल पर्पल बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंटायर वर्ल्ड गॉन एल्विस बेस्ट बैंड इन द एंटायर वर्ल्ड यस आफ्टर वन सॉन्ग बट या बुद्धा एयर बेस्ट एयरलाइन इन नेपाल नेपाल बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड लेट मी टेल यू नेपाल इज अ कंपैरेटिव एयर स्पेस दे हैव लाइक 16 एयरलाइंस श्री एयरलाइन यति सीता एयरलाइन आपको आज क्या खाने का मन है भाई आज वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ यहाँ पे डक्स कहाँ होगी भाई ये देखी तो थी मैंने एक आध एक तो एक निकाल दो पता ही नहीं चलेगा किसी को आई थिंक इट्स अ फैमिली नमन ऑल्सो सीम्स इंटरेस्टेड इवन दो ही हैज बीन अ वेजिटेरियन पूरी जिंदगी क्या खा रही है ये छी भाई ये नहीं खानी हट कूड़ा खा रही है देखिए हॉस्टल अपना लुक्स नाइस मैन सामने लेक एंड लुक्स नाइस बिकॉज़ दे सेड इट्स लेक व्यू एंड देयर इज फकिंग नो देयर इज लेक एंड देयर इज अ मछली इन द लेक अबे आना यहीं चलते हैं लाइटर मंगाते हैं Let's see the cafe. अभी हम जल्दी पहुंच गए तो अभी हमारा चेक इन नहीं हुआ है तो हमें तब तक हांडना पड़ेगा फॉर अनदर वन आवर मॉर्निंग झूला टाइम फक्त है भाई बेकार हॉस्टल में आ गए हैं पेड़ पहले पे करके हमने अपना I think it's too early to say. अरे भाई अभी पांच मिनट रहे नहीं हो। One thing I'll say is hostel is overrated outside of India. Yeah man, a bit. Especially in Nepal from experience. कराटे में भी hostel ही है। दोस्त भी कह रहे हैं मुझे क्यों तोड़ा? Well, they should look at the quality of guests that they invite. अरे background check करने लग गए तो time लग जाएगा। अब क्या medical history मंगाएंगे? ऐसा हुआ फिर तो you won't be allowed in any hostel, man. Yeah, man, I'm too good for them. Oh yeah, फिर लग गई। Especially जो views हम देखने आए थे। गाय भैंस। भाई ये वजीरपुर में same view आता है। तेरे घर से हाँ। छत से। Finally, कम से कम 2 घंटे बाद हमें room मिल गया। तो ये है 6 बेडरूम और यहाँ पे मिक्स डॉम है यहाँ पे बोथ फीमेल एंड मेल कैन स्टे बट यस कम ऑन सम प्राइवेसी इंटरनेट गॉन यू एंटर्ड द रूम अभी देखिए इंटरनेट आ रहा है इंटरनेट गया दिखाइए अपना वो क्या वो डेथ लियालोज में होता है ना वो उसका अदृश्य चोगा रेटेड आउट ऑफ -1 to -10 देखिए इनका उटड़ परेशान होके जा 2 मिनट में उतार देगा जादू आ गए आप क्या रेट करेंगे माने -5 आई वुड गिव इट अ आई गिव इट 10 on 10 वेल मैन थोड़ा सा यहां से अगर बंद हो जाता ना तो मजा ही आता सेंटर में तो कर क्या है भाई ये अब ऐसे ऐसे उड़ियो उड़ अब ऐसे पंखे ला अपने चलिए जब तक ये अपना एडजस्ट कर रहे हैं हम आपको रूम दिखाए थे अभी यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी कंसर्न हो गया है क्योंकि अभी हम सिर्फ जो पहले यहाँ पे उनका ग्रीन आईपैड घूम एंड आपको पता ही होगा कि आईपैड कितना महंगा आता है चोरी हो गया आईपैड घूम गया इसका करेक्टर कुछ पता नहीं अभी डोंट जंप टू कंक्लूजन क्या कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते हां कैमरा नहीं है कोई रूम के अंदर थोड़ी कैमरा कहां कहां करते हैं वो कैमरा देखोगे हां